हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिछोर हर सिद्धि माता पर युवाओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर पर थाना प्रभारी दलीप समाधिया ने कहा कि युवाओं को वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। साथ ही संकल्प लिया है कि हम जो वृक्ष लगा रहे हैं, इनको पाल पोस कर बड़ा करेंगे। हरे भरे पेड़ों पर ना काटा जाए, इनकी देखभाल भी करें। पेड़ों को अपने परिवार की तरह पालें। पेड़ पौधे होने से वातावरण शुद्ध रहता है। वृक्षों में पीपल, नीम, आंवला, बेलपत्र आदि वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण में थाना प्रभारी पिछोर दिलीप समाधिया, प्रभाकर शर्मा, डॉक्टर कौशलेंद्र श्रीवास्तव, कल्याण बाथम जी, गजू पांडे, राजेश पंडा, किशोरी लाल शर्मा, गप्पू श्रीवास्तव, हिमांशु परसेडिया, अनूप कुशवाहा, विकास चौबे, मनोज शर्मा, संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में युवा बंधु उपस्थित रहे। हिंदुस्तान टुडे के लिए संवाददाता जाकर खान की रिपोर्ट। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सम्मति है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम लगभग विगत हम 10 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, यहाँ के समाज सेवी बंधु और जितने भी अपने राजनीतिक दलों के लोग हैं, सभी लोग इस पूरे वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और इसी तरह हम इस यहाँ की जगह और इससे पहले लगभग 2 वर्ष पहले हमने एक स्थान और था जो कालका माता मंदिर है, वहाँ भी वृक्षारोपण किया। और जो आज आपके सामने जो वृक्ष यहाँ पर दिख रहे हैं, वो इसी समिति के द्वारा लगाए हुए थे। और लगभग ये समिति लगातार इसी तरह के कार्यक्रमों को हर बार करती रहती है। और समाज सेवा के क्षेत्र में अभी आपने देखा कि पिछले समय में क्वारंटीन सेंटर पर जो भोजन की व्यवस्था की, वो भी इसी समिति ने की। मैं इस समिति को पूरे तहे दिल से